एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को अमृत महोत्सव उद्यान के वृक्षारोपण के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान उपायुक्त श्रम रोजगार पीएन उपाध्याय ने कहा कि वृक्षारोपण का कार्य बरसात से पहले कर लिया जाए, क्योंकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि वृक्षारोपण के कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से अपने ऑफिस पर वृक्ष लगाने के लिए निर्देश दिया एवं वृक्षारोपण के मानक को भी पूरा किया जाए, जिससे कि वृक्ष सही तरीके से लग सके। उन्होंने कहा, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 वृक्ष लगाने का शासन का स्पष्ट निर्देश है, जिसको सभी लोग अपने ग्राम पंचायत में लगवा लें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी पीएन यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जहाँ तक का लक्ष्य है, कल आपको कौन सा लक्ष्य पूरा कर लेना है, वो आप ध्यान दीजिए। इस पर विशेष रूप से वृक्षारोपण समिति जिला गंगा समिति तो हम सारे लोग एक स्थल की सूची, जैसे आप पिटल रूटी के लोग वो स्थल चयन करके दे दें, जिस भी जहाँ से कॉर्डिनेट करके आपको कराना हुआ तो आप करा लीजिएगा। अब सॉयल वर्क वीक का भी हमारा समय आ गया, तो क्योंकि बरसात से पहले कुछ दिन पहले गज्जा की भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। और हमारे यहाँ द्वितीय क्रमिका से तो आप भी हमारे यहाँ से पंचायती राज से और राजस्व विभाग का तीनों का आप भिजवा दीजिए। और जैसे डीएचओ साहब हैं आपके, आपका तो कई जगह है वो हमारा पूरे जनपद में विकास सर। और आपकी लैंड तो होगी नहीं उद्यान की वजह से? ठीक है, तो आपके यहाँ बहुत सारी योजनाएं भी जो चल रही है वो लाभार्थियों के लिए, तो उनके माध्यम से भी आपका वो हाँ अचीवमेंट हो जाएगा हमारा। और बिजली और जो भी विभाग है यहाँ पर, सभी लोग से अनुरोध है कि आप लोग पहले स्थल चयन का आप सूची भेज दें और सॉयल वर्क जो है ना वो करा लें। वृक्षारोपण से उसमें जो तकनीकी होते, पहले गड्ढा खोद दिया जाता है 45x45x45 सेंटीमीटर, यही तो है स्टैंडर्ड। कुछ दिन तक हो जाए उसमें फिर उस खाद का मिक्सर करके उस मिट्टी को भर लेते हैं, फिर वह मिला देते हैं कुछ दिन बाद मिला के। उसके बाद जब एक दिन अभियान चलेगा और फिर जियो टैगिंग का, सबको अपना पासवर्ड मिलेगा, जियो टैगिंग की जाएगी अपने अपने पासवर्ड से अपने अपने लोकेशन जहाँ जहाँ वो क्षेत्र होगा। ये तो बैठक रही, इसके और कुछ करना है उसमें सर? हमको निःशुल्क देना है। मान लीजिए ये लो लैंड चयन किए हैं तो उसमें जामुन इकोलिप्टस ये लगाएंगे, अगर इनका ऊंचा लैंड है तो सागौन की मांग करेंगे ताकि वहाँ पौधा कम हो। ठीक है, आपकी बात सही है। और लेकिन विभाग का एक अनुभव रहा है कि हमारे कितने लो लैंड है और कितने वो देखते हुए ये स्वतः सिद्ध है कि आपके पेड़ है, ये बहुत खुशी हुई कि जी सर 2018 से सर। तो हम सभी लोगों को कि जैसे हम अमृत आजादी के 75वें वर्ष में हम अमृत महोत्सव कर रहे हैं, और हाँ इसी के तहत बहुत तमाम विभागों की योजनाएं भी आ रही हैं। तो वृक्षारोपण संबंधी एक और हमारा अमृत अमृत महोत्सव उपवन एक योजना आई है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 पौधे का एक ऐसा पैच हो जहाँ 75 पौधे लगे हो, तो वो भी हमें तैयार करना है। तो मैं डीएफओ साहब से वन विभाग से यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम इतना 75 तो मिल जाएगा हमारे पंचायतों में, एक या दो पाइप मिला के 75 हो जाएगा, या जो बड़े बड़े तालाब है उसमें भी। तो इसके लिए आपको जानकारी ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, इसके लिए हमारे इतने पौधे तैयार हो जाए, 10-20 हजार पौधे बढ़िया तैयार हो जाए कि जो हम उनका जैसे आप अपना लगाते हैं वैसे ही वो भी हम ये करें। तालाब पर 60-70 पौधे भी लग जाएंगे, अब मैं 3-4 तालाब कल गया था दे दिया परसों, तो अच्छे अच्छे तालाब थे उस पर पौधे लग सकते हैं, 2-3 तालाब बहुत अच्छे थे, 40-50 पौधे लग सकते हैं। अमृत महोत्सव उद्यान या वन है वो विकसित हो जाएगा।